टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों अपनी खराब रेटिंग की वजह से चर्चा में बना हुआ है। इस शो में अभिमन्यु और अक्षरा के ट्रैक के दौरान टीआरपी की लिस्ट में टॉप 5 में बना हुआ था, लेकिन अब इस सीरियल में लीप के बाद सब कुछ खराब हो गया है। शो टीआरपी में टॉप 10 से बाहर हो गया है। इन सब के बीच इस सीरियल के निर्माता राजन शाही ने एक बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। राजन शाही ने दावा किया है कि सेट पर कई स्टार्स ने उन्हें परेशान किया है जिसके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है। दरअसल रिश्ता का कहलाता है कि निर्माता राजन शाही ने आज तक के सेगमेंट सास बहू और बेटियों की खास बातचीत करते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने शो की पुरानी स्टार कास्ट पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि कैमरे के पीछे काम करने वाली टीम को कुछ अभिनेताओं की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राजन शाही ने यह भी कहा कि लोग सिर्फ एक्टर के बारे में सुनना चाहते हैं और कैमरे के पीछे की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता है। क्रू को पूरी रात जागना पड़ता है क्योंकि कुछ एक्टर्स क्रू के लोगों को काफी परेशान करते हैं। कभी भी कोई उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहता। एक एपिसोड को एडिट करने से लेकर राइटर संग काम करने तक पूरी रात जागना पड़ता है। डेली सोप के लिए हर कोई कड़ी मेहनत करता है। फैंस कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ लोकप्रिय चेहरों पर विश्वास करते हैं, दूसरों पर नहीं। ये टीवी न्यूज की एक बड़ी कहानी है। राजन शाही का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर एक्टर इतने बुरे थे तो उन्हें बाहर निकाल सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, आज तक उन्होंने कभी भी उन अभिनेताओं पर कोई अच्छा बयान नहीं दिया है जो शो खत्म होने के बाद अपने लिए खड़े हुए हैं। अक्सर अभिनेताओं को दोषी ठहराते हैं, चाहे वह टीआरपी के लिए हो या उनके व्यवहार के लिए। कुछ लोगों ने राजन शाही को सपोर्ट कर उनके बयान को सही बताया है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।